नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का हमारा चैप्टर है वो है मराठा साम्राज्य। जो भी बच्चे नए हैं वो आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा बाकी वीडियोज़ का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आधुनिक भारत के विस्तृत इतिहास को हम काफ़ी आसानी से यहाँ पे समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो PCS लेवल का भी एग्ज़ाम हो, उसके तथ्य भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो मराठा साम्राज्य को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम चीज़ों को इस प्रकार समझेंगे कि सबसे पहला बिंदु हमारा रहेगा शिवाजी के बारे में समझना, इनका परिचय देखना, और परिचय के साथ साथ इनके जो पुत्र हुए, इनके जो पौत्र हुए, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ इनके समय की एक महत्वपूर्ण संधि का नाम आता है, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि एक महत्वपूर्ण संधि है, और इसमें क्या-क्या बातें हुई वो सब हम देखने वाले हैं। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा अफजल खान के साथ, और अफजल खान और शाइस्ता खान, अपना जो अगला बिंदु रहेगा वो अफजल खान और शाइस्ता खान के साथ जो संघर्ष हुआ वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा पेशवाओं के बारे में, क्योंकि जब शिवाजी के पुत्रों का जब शासन था और जब इनके पौत्र शासन करने लगे तो वो एक कमजोर कड़ी के रूप में वहां पर दिखते हैं। और उसके बाद जो पेशवा एक पद है शिवाजी के, जो मंत्रिमंडल है उसी में एक मंत्री का पद था पेशवा, तो ये काफ़ी मजबूत स्थिति में आ जाता है और यहीं से पेशवाओं का इतिहास भी चालू हो जाता है। उसके बाद जो अंतिम यहाँ पे तथ्य रहेंगे वो तीन आंग्ल मराठा युद्ध अपन देखेंगे। तीन आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और मराठा, तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो बाद में संघर्ष हुए उन संघर्षों के बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु है वो है शिवाजी के बारे में। हम जानते हैं कि शिवाजी क्या है, किस प्रकार से इनका अस्तित्व आया वो हम देखते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा परिचय के बारे में कि इनका परिचय किस प्रकार है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि शिवाजी के जो पिताजी थे उनका नाम है शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। तो बेसिकली ये भोसले परिवार से, मराठा जाति में एक परिवार है भोसले परिवार, उससे संबंधित थे। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है जीजाबाई। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई के जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम क्या है? शिवाजी। उन्हीं का नाम क्या है? शिवाजी। तो शिवाजी के पिताजी कौन हो गए? शाहजी भोसले। माता हो गई जीजाबाई, और उन्हीं के पुत्र का नाम क्या है? शिवाजी। अब जो शाहजी भोसले हैं ये क्या है, एक सेनानायक के रूप में कार्य करते हैं। ये कहाँ पर? एक सेनानायक के रूप में कार्य करते हैं कहाँ पर? अहमदनगर के निजाम के यहाँ। जो अहमदनगर है वहाँ पर निजाम शाही की सल्तनत है, निजाम शाही, और यहीं पर ये किसके रूप में कार्य कर रहे हैं? सेनानायक के रूप में। बाद में अहमदनगर की स्थिति कमजोर होती है तो कुछ क्षेत्र जैसे पूना, चाकल हुआ, नासिक हुआ, उन क्षेत्रों पर शाहजी भोसले अधिकार कर लेते हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है कि शाहजी भोसले एक सेनानायक के रूप में अहमदनगर में कार्य करते हैं। अब जो शिवाजी है इनके जन्म की बात करें, ये तिथि काफी महत्वपूर्ण है। जो इनकी जन्म जो हुआ वो 1627 ईस्वी में होता है। 1627 ईस्वी में जो शिवाजी है इनका जन्म होता है, और ये होता है सिवनेर के किले में। कौन से किले में? सिवनेर के किले में इनका जन्म होता है, जो जुन्नार के समीप है। तो जुन्नार के समीप एक किला पड़ता है जिसका नाम है सिवनेर दुर्ग, वहां पर जन्म होता है 1627 ईस्वी में किनका? शिवाजी का। पूरी तिथि की बात करें तो 20 अप्रैल 1627, तो 20 अप्रैल 1627 को जुन्नार के निकट जो है एक जगह है पूना में, तो पूना में या फिर जुन्नार के निकट
सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये तिथि काफी एग्जामों में पूछी जाती है, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। और शिवाजी का जो लालन पालन है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इनकी माता की रहती है जीजाबाई की, और सारे संस्कार भी माता की देन होते हैं इनके, क्योंकि जो पिताजी थे इनके, इनके क्या है कि कोई और स्त्री से भी संबंध थे, जैसे तुकाबाई मोहिते, उन स्त्री का नाम आता है तुकाबाई मोहिते। तो इनकी देखरेख किसकी निगरानी में हुई, जीजाबाई की निगरानी में हुई। और इनके जो संरक्षक है, इनका जो संरक्षक थे उनका नाम आता है दादा कोंडदेव। तो इनके जो संरक्षक है उनका नाम है दादा कोंडदेव। तो दादा कोंडदेव इनके संरक्षक है, और माता का नाम है जीजाबाई, और इनके जो गुरु का नाम आता है, तो इनके जो गुरु का नाम है वह समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास। तो इनके गुरु का नाम क्या है, समर्थ गुरु नामशा। तो यहाँ पे कितने तथ्य अपने कंप्लीट होते हैं कि दादा कोंडदेव इनके संरक्षक हैं, गुरु है रामदास जी, माता का नाम है जीजाबाई। जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था। अब कुछ चीज़ों की बात करें कि शिवाजी के जो लाइफ के कुछ फेज हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हमको ध्यान रखनी है कि जैसे 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ जो किला है, सिंहगढ़ किला वो जीता था, सिंहगढ़ किला जीता 1643 ईस्वी में। क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे शिवाजी क्या है कि इनकी माता के संस्कार इतने अधिक प्रभावशाली थे कि एक बार जैसे शिवाजी क्या है अपने राज्य में घूम रहे थे, तो वहां पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आके अपनी माता को वापस ये बात बताते, तो इनकी माता इनको बहुत पीटती है, कहती है कि अगर वो लोग जा रहे हैं तो तू उससे कारण नहीं, उनसे उनके जाने का कारण नहीं पूछ सकता था क्या। तो एक कहीं ना कहीं कि भाई कि क्या कारण है, अपने राज्य से क्यों जा रहे हैं, उनकी जो कमी है उसको तो पूरा करता। तो ये क्या है कि माता जो इनकी थी वो काफ़ी उनके संस्कारों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो शुरू से ही ये क्या है कि इन चीज़ों में निपुण थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक ये माने जाते हैं। तो इन्होंने 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता, ये तथ्य हमको ध्यान रखना है। उसके साथ ही 1654 ईस्वी है उसमें इन्होंने एक और किला जीता, पुरंदर का किला, पुरंदर का किला इन्होंने जीता 1654 ईस्वी में। और उसके साथ ही 1656 ईस्वी की बात आती है तो इन्होंने बीजापुर जो है, बीजापुर उससे एक क्षेत्र छीन लिया, रायगढ़ का क्षेत्र। तो रायगढ़ का क्षेत्र छीना, और इस रायगढ़ के क्षेत्र को छीन कर इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। तो बीजापुर से कौन सा क्षेत्र छीना इन्होंने, रायगढ़ का क्षेत्र, और उसको क्या बनाया, राजधानी बनाया। उसके बाद एक तिथि और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो 1657 ईस्वी है, इस 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का क्या है, मुगलों के साथ संघर्ष हुआ। तो मुगलों के साथ शिवाजी की जो पहली लड़ाई है, मुगलों के साथ जो शिवाजी की पहली लड़ाई जो हुई, पहला संघर्ष जो हुआ, वो कब हुआ, 1657 ईस्वी में। और 1657 ईस्वी में कब, जब इस शिवाजी ने जुन्नार नगर को लूटा, जुन्नार नगर को लूटते हुए इनका संघर्ष किसके साथ हुआ, मुगलों के साथ। कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है, 1657 ईस्वी। अब इतने सारे किलों को जब धीरे धीरे शिवाजी अपने कब्जे में करने लगे, तो जो उस समय का शासक था, मुगल शासक औरंगजेब, उसको क्या है, अपने लिए एक चुनौती यहाँ पर दिखी कि ये व्यक्ति जो है बहुत सारे किलों को, पूरा क्षेत्र जो है ये अपने अधीन कर रहा है धीरे धीरे। तो वो क्या करता है, वो एक व्यक्ति को इनसे संघर्ष के लिए भेजता है। तो अगर हम उस समय के इतिहास की बात करें तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर कौन कब्जा बना रहे, मराठा।
क्योंकि सूरत तक शिवाजी का कब्जा हो चुका था, और यहाँ पर जो मुगल बादशाह है वो कौन है? औरंगजेब है। दिल्ली में कौन बैठा है? औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण 25 वर्ष है वो दक्कन को अपने काबू में करने के लिए बिता दिए थे। तो वो जब शिवाजी फ्रेम में आते हैं और शिवाजी सब चीज़ों को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता, 1654 में पुरंदर का किला, फिर बीजापुर से रायगढ़ छीन लिया, तो आसपास के जो क्षेत्र थे वो काफ़ी क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो रहा था। तो औरंगजेब ने इसको अपने लिए एक चुनौती माना, और उसी चुनौती के लिए उन्होंने क्या है कि बीजापुर के एक सेनापति का नाम आता है अफजल खान। क्या नाम आता है? काफी महत्वपूर्ण नाम है, अफजल खान। तो अफजल खान जो है उसको दायित्व सौंपा कि आप शिवाजी को यहाँ पे खत्म करो। और अफजल खान क्या है, अफजल खान के बारे में सुना जाए तो एक काफी लंबा चौड़ा एक व्यक्ति है, और शिवाजी की हाइट की बात करें तो शिवाजी की हाइट है केवल 5 फीट 1 इंच। अब अफजल खान एक देते प्रकार के आदमी, जिसने क्या है कि बहुत सारे मंदिरों को भी लूटा, जैसे कि इसने 1659 में एक मंदिर को लूटा, पंढेरपुर का मंदिर। पंढेरपुर में एक मंदिर था जिसका नाम है बिठोवा का मंदिर, तो बिठोवा का जो मंदिर है इसने लूटा, और ये बिठोवा का मंदिर लूटा और आसपास इसने काफी तोड़ तबाही मचाई। तो शिवाजी तक भी ये बात पहुंची कि अफजल खान नाम का व्यक्ति काफी तबाही मचा रहा है। तो शिवाजी ने भी संकल्प ले रखा था कि वो भी अफजल खान को सबक सिखाना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि अफजल खान एक चाल चलता है शिवाजी के खिलाफ, और एक दूत को ये शिवाजी के पास भेजता है। मान लो हम बात करें कि जैसे एक दूत को किसके पास भेज रहा है? ये शिवाजी के पास, शिवाजी के पास। तो अफजल खान ने एक दूत भेजा किसके पास? शिवाजी का पास। उसका नाम है कृष्णाजी भास्कर। क्या नाम है? कृष्णाजी भास्कर। कौन है? एक दूत है। ये क्या है? एक चाल है अफजल खान की। वो शिवाजी से क्या है, एक मित्रता का प्रस्ताव भेजता है। मित्रता का प्रस्ताव क्या भेजता है कि आप जाओ और शिवाजी को मेरे यहाँ पर खाने पर लेके आओ। एक मित्रतापूर्ण प्रस्ताव ये भेजता है। अब शिवाजी क्या है कि अफजल खान से वाकिफ थे कि ये कुछ ऐसा कोई चाल है होगी इसकी। तो शिवाजी खान कृष्णाजी भास्कर से पूछते हैं कि सही सच बात बताओ कि क्या है। तो बहुत तो ज़्यादा चीज़ें करने के बाद कृष्णाजी भास्कर आखिर शिवाजी को बता देते हैं कि ये भाई आपको फंसाने की एक चाल है। उसके बावजूद शिवाजी क्या है, अफजल खान से मिलने जाते हैं। और जब अफजल खान से मिलने जाते हैं शिवाजी, तो जो है इनके जो खुरपा होता है एक, हाथों में पहनते हैं अंगूठियों की तरह, तो वो खुरपा इस प्रकार होता है कि जैसे ये अंगूठियां हैं और इनमें तिकोने तिकोने जो है नाखून से एक लोहे के निकले होते हैं, तो इसको हम चारों उंगलियों में पहन सकते हैं। तो शिवाजी अपने साथ इसको लेके जाते हैं और अफजल खान से मिलने चले जाते हैं। अब जैसा कि हमने बात करी कि शिवाजी की हाइट एक तो बहुत छोटी सी है, आप गूगल करोगे तो शिवाजी और अफजल खान का एक चित्र भी आपको मिल जाएगा, उसमें अफजल खान काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी और शिवाजी एक बहुत छोटी हाइट के उसमें दिखाए गए हैं, तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अफजल खान क्या करता है, शिवाजी को गले लगाता है, और जब गले लगाता है तो वो सोच रहा था कि मैं इनको दबा के मार दूंगा, जैसा कि महाभारत में भी जब भीम जो धृतराष्ट्र है वो भी भीम के खिलाफ यही रणनीति अपनाता है। तो जैसा कि क्या है कि ये कब की घटना है, 1659 की। अफजल खान क्या कर रहा है, शिवाजी को गले लगाना चाहता है, और गले लगा के दबोचता है। उसी समय शिवाजी वो जो ये जो है खुरपा, इससे इसको हाथ में पहन के इसी से उसको मार देता है। तो नवंबर नवंबर जो है नवंबर 1659 की ये घटना है। तो इस घटना में शिवाजी किसको मार देते हैं, अफजल खान को। और अफजल खान मरने के बाद पूरा जो ये पूरा जो क्षेत्र था साउथ इंडिया का, यहाँ पर खबर फैल जाती है कि अफजल खान जैसा आदमी को शिवाजी ने मार गिराया। और शिवाजी ने जब अफजल खान को मारा तो ये काफ़ी बड़ी इनकी ख्याति के रूप में उभरा, और इनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ गई,
और इसी के दमन करने के लिए औरंगजेब ने अफजल खान के बाद एक और व्यक्ति को यहां पर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, जिसका नाम क्या है, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, और शाइस्ता खान को कौन भेज रहा है, औरंगजेब भेज रहा है। ये शाइस्ता खान क्या था, औरंगजेब का मामा था। तो अपने मामा को शाइस्ता खान को इसने भेजा और कि आप जाओ और किसको मार के आओ, शिवाजी को। तो शाइस्ता खान यहाँ पर आता है। तो अगली इस कड़ी में कौन आ रहा है, शाइस्ता खान, जो कि किसका मामा है, औरंगजेब का आ रहा है। अब औरंगजेब का मामा जो शाइस्ता खान आता है, तो ये क्या है, पूना के किले में विश्राम कर रहा था। कौन से किले में विश्राम कर रहा था, पूना का जो किला है, पूना का जो किला है, पूना का किला, पूना का किला, तो उसमें ये विश्राम कर रहा था। और जो ये जो पूना का किला है, इसमें शिवाजी का बचपन गुजरा था। तो इस पूरे किले से शिवाजी बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि ये इसमें कौन सी गली कहाँ जाती है, और बहुत बड़ा ये किला है पूना का किला। तो शाइस्ता खान किस में विश्राम कर रहा है, पूना के किले में। अब शिवाजी क्या करते हैं, बारात लेके, बारात दूल्हे के भेष में यहाँ पर आते हैं। तो शिवाजी आए दूल्हे के भेष में, और इनके साथ साथ क्या है, इनके पीछे पीछे बहुत सारे बाराती आए। ठीक है, अब बाराती आए तो यहाँ पर क्या है, गेट कीपर खड़े हैं दो। अब दोनों गेट कीपर पूछते हैं इनसे कि आप कौन हो, कि मैं दूल्हा हूँ और मेरी शादी है, और जो पूना का किला है इसके अंदर मकान मकान भी बने हुए हैं, तो वहाँ पर मेरी शादी है। तो इस बहाने से ये पूना के किले में घुस जाते हैं। और शिवाजी जब पूना के किले में घुस जाते हैं, तो उसके बाद ये सब चीज़ों से वाकिफ थे, तो वहाँ पर ये जाते हैं, और जहाँ पर शाइस्ता खान विश्राम कर रहा था, उसी कमरे में ये चले जाते हैं, और जाते ही इस पे विश्राम स्थल पर इस पर आक्रमण कर देते हैं, और वहाँ से शाइस्ता खान को भागना पड़ता है, और ये जान बचाकर वहां से भागता है। और ये घटना आती है 1663 ईस्वी की, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को ये जान बचाकर भागता है। तो जब शाइस्ता खान भी भाग जाता है, तो औरंगजेब क्या है, औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई यार अफजल खान को भी मार गिराया, और यहाँ पर शाइस्ता खान को भी इन्होंने भगा दिया। और इसी दौरान शाइस्ता खान के साथ बॉस इसका जो बच्चा था, उसकी भी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। अब शाइस्ता खान के बाद जो है, औरंगजेब क्या करता है, एक नीति अपनाता है कि क्यों ना हम हिंदू को हिंदू के खिलाफ ही लड़ाएं। तो औरंगजेब क्या है, अब अगले जो है इसकी रणनीति, उसमें ये राजा जो जयसिंह है, जयसिंह फर्स्ट, कछवाहा राजा जयसिंह, तो कछवाहा राजा जयसिंह को ये भेजता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आएंगे, एक तो कछवाहा राजा जयसिंह, जिसको जयसिंह फर्स्ट कहते हैं, और इसके साथ एक और आदमी आएगा, दिलेर खान, या फिर जिसे दिल ए खान भी कहा जाता है। तो दिलेर खान एक व्यक्ति है, और कहीं पे इसको दिल ए खान भी लिखा रहता है। तो ये दोनों व्यक्ति आएंगे कहाँ पर, शिवाजी से, शिवाजी के साथ युद्ध करने। अब जयसिंह क्या करता है कि शिवाजी को जो रायगढ़ और पुरंदर में क्या करता है, पराजित कर देता है। और पराजित होने के बाद जब जयसिंह और शिवाजी की भिड़ंत होती है, तो वहाँ पर शिवाजी पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद दो युद्ध होते हैं इनके, रायगढ़ में और पुरंदर में। और वहाँ पर पराजित होने के बाद एक संधि होती है, और उस संधि का नाम आता है क्या, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि होती है, और पुरंदर की संधि जो है वो कब होती है, 22 जून 1665 को। तो 22 जून 1665 को क्या है, एक संधि हो रही है, जिसका नाम क्या है, पुरंदर की संधि। तो ध्यान से समझेंगे, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 22 जून 1665 को कौन सी संधि हुई, पुरंदर की संधि। एक और पुरंदर की संधि की बात करेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध में, तो वो जो संधि है वो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच होगी, जबकि ये वाली जो संधि है पुरंदर की संधि, ये औरंगजेब और किसके बीच हो रही है, शिवाजी के बीच, और किसकी मदद से हो रही है, जयसिंह की मदद से, जो कछवाहा राजा जयसिंह है। अब पुरंदर की संधि के प्रावधानों को हम देखें, तो इसके जो प्रावधान थे, पुरंदर की संधि के प्रावधान, तो उस संधि में क्या लिखा गया था कि जो शिवाजी के जो 35 किले थे, ठीक है, जो शिवाजी के 35 किलों में से 23 किलों पर जो कब्जा किसका होगा, मुगलों का होगा, ये इसमें लिखा गया था। तो एक प्रावधान तो क्या था कि शिवाजी के
35 जो किले थे उसमें से 23 किले किसको देने पड़े? मुगलों को देने पड़े, मुगलों को देना पड़ा। तो 35 किलों में से 23 किले कौन ले रहा है? मुगल ले रहे हैं। मतलब केवल जो है केवल 12 किले किसके पास बचेंगे? शिवाजी के पास बचेंगे। बाकी के सारे किले किसको देना है? मुगलों को देना है। उसके साथ ही शिवाजी को 5,000 घुड़सवार सैनिक मुगलों के पक्ष में देने थे, तो 5,000 घुड़सवार सैनिक भी किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण संधि का प्रावधान था कि संभाजी को मनसबदारी प्रदान की गई। संभा जी कौन है? ये शिवाजी के पुत्र हैं। शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, उनको मनसबदारी प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? मनसबदारी प्रदान की गई, मनसबदारी प्रदान की गई। तो ये पुरंदर की संधि हुई, जिसमें से जो शिवाजी ने जो किले जीते थे उनमें से 23 किले किनको देना पड़ा? मुगलों को देना पड़ा। और एक ये फैक्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कितने किले उनको देने पड़े? 23 किले देने पड़े। जो ये 23 किले इनको दिए, इसकी जो वार्षिक आय थी ये 40 लाख हुन थी, 40 लाख हुन। अब जो किले के आसपास का जो क्षेत्र होता था वहां से मराठे क्या है? कर वसूल करता थे। कर वसूल का क्या मतलब है कि वहां से जो दो तरह की पद्धति से ये कर वसूल करते थे। यहाँ पे बात आ रही है तो कर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कर था, जो टैक्स था, वो जो मराठे थे वो मराठों के टाइम पे दो महत्वपूर्ण जो टैक्स थे, एक का नाम आता है चौथ, एक तो क्या है चौथ, और एक है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो दो तरह के टैक्स वसूला करते थे मराठे, जहां भी क्षेत्र जो क्षेत्र होता था उससे। अब क्षेत्र किस प्रकार से डिसाइड होते थे कि अगर मराठों ने कहीं पर आक्रमण किया और इस राजा से ये जो क्षेत्र है ये इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और वापस लौटा दिया, मतलब किसी क्षेत्र को जीता, कोई क्षेत्र इन्होंने जीता और वापस लौटा दिया, वापस लौटा दिया, तो उस क्षेत्र से ये पूरे राजस्व का 1/4 भाग लेते थे। राजस्व का कितना लेंगे? 1/4। तो इसी चार से ये चौथ शब्द बना है, तो 1/4, तो उसी को बोलते थे चौथ। मतलब जीते हुए राज्य के भाग को वापस लौटाकर जो राजस्व का 1/4 भाग वसूल किया जाता था उसी को हम चौथ कहते हैं। और वहीं सरदेशमुखी जो है, मतलब ये क्या है कि जो राज्य जिन्होंने जीता है, जो क्षेत्र इन्होंने जीता है, उस जीते हुए क्षेत्र को ये अपने खुद के कब्जे में ही रख के जब उनसे 1/10 भाग वसूल करते थे उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। तो दो तरह के टैक्स थे, चोत और सरदेशमुखी। पूरे राजस्व का 1/10 भाग वसूल करना सरदेशमुखी है और 1/4 भाग वसूल करना चोत है। तो ये दो कर के रिफॉर्म कर थे जो उस समय चलते थे मराठा के समय पे। तो हम क्या बात कर रहे थे? पुरंदर की संधि, जहाँ पर 35 किलो किले जो थे उनमें से 23 किले इनको देने पड़े, जिनकी वार्षिक आय 40 लाख हुन थी। कितनी लाख हुन थी? 40 लाख हुन थी, तो वो इनको देने पड़े थे। तो काफी ज्यादा पुरंदर की संधि में बहुत ज्यादा नुकसान शिवाजी को हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की कहानी इस प्रकार आती है कि जयसिंह जो है जो मिर्जा राजा जयसिंह है, वो किसकी मीटिंग कराता है? शिवाजी की और औरंगजेब की। तो जब औरंगजेब का जो दरबार है, मान लो औरंगजेब यहाँ पर बैठा हुआ है, ये है औरंगजेब, औरंगजेब सिंहासन पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो है औरंगजेब के जो दरबार है इसमें जो नॉर्मल लोग रहते थे उनकी लाइन लगती थी, उनकी लाइन लगा करती थी। तो उसी लाइन में जो एक मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जो है वो मारवाड़ शासक इस लाइन में लगे हुए थे, और इसी लाइन में खड़ा कर दिया था किसको? शिवाजी को भी, शिवाजी को भी इसी लाइन में खड़ा कर दिया था जसवंत सिंह के पीछे, जब ये राजदरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए गए।
तो इनकी मीटिंग कौन करवा रहा है, एक नाम याद रखना है, जय सिंह फर्स्ट। तो जय सिंह फर्स्ट के अनुरोध पर शिवाजी किससे मिलने को तैयार हो रहे हैं, औरंगजेब को। इसके दरबार में जब ये आए तो यहाँ पर लाइन में इनको खड़ा होना पड़ा, और ये देख के शिवाजी ने जो है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने तलवार खींच दी। और तलवार खींचते ही इन औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के इनको डाल दिया गया कहाँ पर, कैद में। तो कैद में डाल दिया किनको, शिवाजी को कैद में डाल दिया गया। अब शिवाजी को जब कैद कर लिया गया तो यहां पर क्या है कि दरबार में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। जब शिवाजी को कैद किया गया तो एक दिन ऐसा आया कुछ दिनों बाद कि वहां पर एक पार्टी चल रही थी पूरे दरबार में और सबको मिठाइयां बट रही थी। तो जब मिठाई बांट रहे थे तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि जो कैदी है उनको भी मिठाई बांटी जाए और सबको खुश रखा जाए। तो जो मिठाई की टोकरी है, मिठाई की जो टोकरी लेके आया, तो मिठाई की टोकरी जैसे ये ठेले सा होता था, और यहाँ पर क्या है कि मिठाइयाँ रखी हुई है ऊपर, और इस हैंडल को पकड़ के कोई आदमी धक्का देके लेके जा रहा था। तो क्योंकि बहुत सारे कैदी थे, बहुत सारी लोग थे, तो सबको मिठाइयाँ ये दे रहे थे। तो जैसे ही ये कैद के यहाँ पे आता है तो शिवाजी इस व्यक्ति से सांठगांठ कर लेते हैं और इस टोकरी का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें बैठ जाते हैं, और इस यहाँ से बैठ कर ये यहाँ से भाग निकलते हैं, फरार हो जाते हैं। तो अपने आप को इन्होंने कैद से मुक्त करा लिया था उसी समय, और कैद से मुक्त करा के ये बाहर निकल गए थे। तो छोटी हाइट का फायदा यहाँ पर भी शिवाजी को मिला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई शिवाजी कहाँ से निकल गए, बाहर से बाहर निकल गए। और औरंगजेब को इसका जो पूरा शक हुआ, किस पे हुआ, जय सिंह पे। जब उनको पता चला कि शिवाजी भाग गए हैं तो जय सिंह पर इसका शक हुआ, और ऐसा माना जाता है कि 1667 ईस्वी में जय सिंह को औरंगजेब ने सरा ये जहर दिलवाकर मरवा डाला था कि भाई इसमें इन्होंने ही शिवाजी को आजाद करवाया है। तो शिवाजी इसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद में 1674 ईस्वी में की घटना आती है। 1674 ईस्वी काफी महत्वपूर्ण है कि 1674 में भी तारीख हमको ध्यान रखनी है, 14 जून 1674। 14 जून 1674 को जो है शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। क्या करवाते हैं, राज्याभिषेक। कौन करवा रहा है, शिवाजी करवा रहे हैं। और इस राज्याभिषेक जो कराते हैं इसमें काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान का नाम आता है, गंगा भट्ट। काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि जो गंगा भट्ट है, गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और खुद को एक उपाधि देते हैं राज्याभिषेक के समय, उसका नाम है छत्रपति। तो उसके बाद इनका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, छत्रपति शिवाजी। एक तो इन्होंने बहुत सारे किले जीत लिए, उसके बाद इन्होंने क्या है कि अफजल खान को मार दिया, शाइस्ता खान को पर इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद ये औरंगजेब की कैद से भागने में भी समर्थ रहे। उसके बाद इन्होंने जो बाकी किले हैं वो भी जीतने का पूरा प्रयास किया। तो बहुत सारे किले वापस इन्होंने वहां से भाग के अपने नाम कर लिए। और 1674 ईस्वी की घटना है कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और व्यक्ति का नाम क्या आता है, गंगा भट्ट, और अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी शिवाजी के बारे में। और महत्वपूर्ण बात करें तो इनका जो अंतिम अभियान था वो 1678 ईस्वी का आता है। 1678 ईस्वी में कर्नाटक के खिलाफ इन्होंने एक अभियान किया था जिसमें इन्होंने एक जिंजी किला है, किले का नाम क्या है, जिंजी किला। ये इनका अंतिम अभियान माना जाता है, अंतिम अभियान। अंतिम अभियान क्यों माना जाता है, क्योंकि 1680 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। तो 1680 में किन की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। पर ये स्वराज्य की नींव यहाँ पर डाल के चले गए थे, और इनके बाद ये जो नींव है ये पेशवाओं ने और इनके पुत्रों ने बखूबी संभाली, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 1680 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की घटना की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है कि शिवाजी जो है इनकी मृत्यु हो गई कब, 1680 में इनकी हो गई है मृत्यु।
अब इनके दो पुत्रों का नाम आता है, एक पुत्र का नाम आता है राजा राम, क्या नाम आता है राजा राम, और जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है संभाजी, या कहीं कहीं पे इनको शंभूजी भी लिखा रहता है। तो राजा राम और संभाजी की बात करें तो राजा राम और संभाजी के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और 1680 से 1689 तक जो शासन करते हैं वो संभाजी करते हैं, जबकि जो राजा राम है, राजा राम भी इनके पुत्र हैं और संभाजी से छोटे हैं, तो हालांकि संभाजी से छोटे होने के बावजूद भी ये अपने आप को गद्दी के हकदार मानते थे। और संभाजी ने क्या है कि अपने विद्रोह करके कुछ प्रयासों से अपने आप को यहाँ का शासक बना दिया, और इन्होंने जो राजधानी बनाया उस राजधानी का नाम हमको ध्यान रखना है कि संभाजी ने राजधानी किसको बनाया, रायगढ़ को। रायगढ़ को राजधानी कौन बना रहे हैं, संभाजी। और इनके साथ एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो उसको जो ये अपना सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करते हैं, उस व्यक्ति का नाम आता है कवि कलश। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संभाजी द्वारा अपना सर्वोच्च अधिकारी और सर्वोच्च विश्वास पात्र भी, क्योंकि ये जो शिवाजी का परिवार था वहाँ पर क्या है कि अपने बच्चों को यहाँ का शासक बनाने की होड़ लगी हुई थी, क्योंकि राजा राम को भी शासक बनना था, संभाजी को भी शासक बनना था, तो जो सर्वोच्च अधिकारी कवि कलश ने इनकी मदद की और इसी को इन्होंने सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर घोषित कर दिया। अब एक घटना आती है कि जो औरंगजेब जो था उसका एक पुत्र का नाम आता है अकबर, औरंगजेब के एक पुत्र का नाम अकबर भी है। तो अकबर ने क्या किया था कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो अकबर जब, अब औरंगजेब इतना खतरनाक शासक था तो वो किसी को भी बख्शता नहीं था, तो औरंगजेब क्या है भाग के किसके शरण में आ जाता है, संभाजी की शरण में आ जाता है, और संभाजी जब इसको शरण देते हैं तो उसका भुगतान इनको इस तौर पर करना पड़ता है कि औरंगजेब जो संभाजी है इनकी मृत्यु, इनको मृत्यु के घाट उतार देता है। क्या हुआ कि संभाजी को कौन मार देगा, 1689 ईस्वी में औरंगजेब मार देगा, और इसके साथ ही जो संभाजी है, संभाजी और इनकी जो पत्नी है येशुबाई, तो इनका एक पुत्र है जिसका नाम है शाहू जी, शाहू जी। तो संभाजी की पत्नी और शाहू जी, इन दोनों को कैद करवा लेता है कौन, औरंगजेब, और कैद करवा के आगरा में इनको जयपुर किले में रखता है। ठीक है, तो जयपुर किला कहाँ है, आगरा में है, जयपुर में मत लिखना, जयपुर किला कहाँ है, आगरा में। किसको रखा है, येशुबाई और साहू जी को। तो यहीं पर केवल ये, साहू जी की उम्र केवल 7 वर्ष है और उस समय इनको कैद कर लिया गया, और कैद करके कहाँ पर रख लिया इनको, किले में नज़रबंद इनको रखा गया। अब 1689 के बाद ये राजा राम फ्री हो गया। अब 1689 से 1700 तक कौन शासन करेगा, राजा राम। और राजा राम 17 से शासन करना चालू करता है, और इन राजा राम की जो पत्नी है, इस पत्नी का नाम आता है ताराबाई, पत्नी का नाम क्या है, ताराबाई। और राजा राम और इनकी पत्नी जो ताराबाई है, इनके पुत्र का नाम आता है शिवाजी सेकंड, क्या नाम आता है, शिवाजी द्वितीय। हमने क्या बात करी, शिवाजी के दो पुत्र राजा राम और संभाजी की, संभाजी का इतिहास हमने देखा 9 साल का, रायगढ़ को राजधानी बनाया, सर्वोच्च अधिकारी कवि कलश, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1689 में, और जो औरंगजेब है इनके पुत्र साहू जी को और येशुबाई इनकी पत्नी को कैद करवा लेता है। अब जब ये कैद हो गए तो उसके बाद राजा राम यहाँ पर शासन करने लगता है, और राजा राम और ताराबाई का एक पुत्र है शिवाजी सेकेंड। अब क्या होता है कि हमको पता है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो जब हमने उत्तर मुगल काल पढ़ा था तो हमने देखा था कि औरंगजेब के काल के बाद उत्तर मुगल काल शासक चालू हो जाते हैं, तो उत्तर मुगल काल इतना अच्छा चीज़ें नहीं कर पाता, और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनता है। और जैसे ही ये शासक बनता है तो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति था,
और काफी बुजुर्ग था तो इसने सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया, और उसी उपलक्ष में इसने क्या है साहू जी महाराज को कैद से छोड़ दिया था। तो साहू जी जो महाराज है ये कैद से किसके काल में छूटेंगे, बहादुर शाह प्रथम के काल में छूट रहे हैं साहू जी। और साहू जी जब छूट जाते हैं 1707 में, तो वो जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या है ताराबाई अपने शिवाजी सेकंड जो पुत्र है इसके साथ सतरा से शासन कर रही थी। तो राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई, क्योंकि राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में, और 1700 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके बाद शासन कौन करता है, शिवाजी सेकंड। तो शिवाजी सेकंड 1707 से शासन करने लगते हैं, और 1707 में जब ये शासन करते हैं तो यहाँ पर क्या 1707 तक ये शासन करते हैं। 1700 में किसकी मृत्यु हो गई, राजा राम की। उसके बाद 1707 तक किसका शासन रहता है, शिवाजी का। तो जब साहू जी महाराज आते देखते हैं कि शिवाजी सेकंड शासन कर रहे हैं, तो ये शासन के लिए यहाँ पर फिर से संघर्ष होता है और एक लड़ाई होती है जिसका नाम आता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, तो खेड़ा के युद्ध में शिवाजी सेकंड या फिर जो इनकी संरक्षिका है ताराबाई, क्योंकि ये जो पुत्र है ये अल्पवयस्क है, छोटा बच्चा है, तो हालांकि शासन तो ताराबाई कर रही थी पर गद्दी पे किसको बैठा रखा है, शिवाजी सेकंड को। तो साहू जी आते हैं और कैद से मुक्त होकर, तो खेड़ा का युद्ध होता है और ताराबाई यहाँ पर हार जाती है, और उसके बाद साहू जी जो है यहाँ पर शासन करते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी पिक्चर है शिवाजी की मृत्यु के बाद, इनके दो पुत्र राजा राम और संभाजी, संभाजी के पुत्र साहू जी, और साहू जी जब कैद से मुक्त होते हैं तो शिवाजी सेकंड को गद्दी से उठाकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब इस पूरे इतिहास के बाद जो अगली कड़ी है वो इस प्रकार है कि अब बनेंगे कौन शासक, साहू जी। और साहू जी शासक बनेंगे 1707 में, और 1748 तक इन्हीं का शासन रहेगा, और 1748 तक इन्हीं का शासन रहेगा। पर यहाँ पर एक चीज ये हुई कि जब साहू जी ने ताराबाई या शिवाजी सेकंड को खेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया, तो उसके बाद ये जो शिवाजी है ये चले जाते हैं, शिवाजी सेकंड कहाँ चले जाते हैं, कोल्हापुर। कहाँ चले जाते हैं, कोल्हापुर। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि खेड़ा के युद्ध में जब शिवाजी सेकंड या ताराबाई को जो सतारा से शासन कर रहे थे इनको जब हार मिली तो ये कोल्हापुर चले जाते हैं। और इस तरह मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, जो मराठा है वो दो तरह से बट गए। सतारा में तो किसका अधिकार हो गया, साहू जी का, और जो कोल्हापुर जो चले गए शिवाजी सेकंड, वहां से कौन शासन करेंगे, शिवाजी सेकंड। इनकी संरक्षिका कौन है, इनकी माता ताराबाई। ठीक है, तो बाद में एक संधि होगी उसकी भी बात हम करेंगे, तब ये दोनों शासन वापस एक मराठा यूनिट में जुड़ जाएंगे, तो उस संधि की बात बाद में करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साहू जी जो है 1707 से 1748 तक शासन करेंगे। तो इनके शासन के काल में क्या है, एक पद बनाया गया शिवाजी साहू जी के समय, एक पद बनाया गया, उस पद का नाम था सेना करते का पद। सेना करते का पद बनाया गया, कब बनाया गया, 1711 में। और सेना करते का पद का क्या मतलब है कि जो सेना है उसमें किसको दाखिला देना है, सेनाओं का जो तैयारी है वो किस प्रकार करेंगे, उनकी जो रक्षक नीति है वो किस प्रकार से रहेगी, तो उन सब नीतियों का जो संचालन करने वाला जो व्यक्ति था वो है सेना करते। तो सेना करते के पद पे, सेना करते का जो पद है उस पर बैठने वाला जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है, बालाजी विश्वनाथ। और यही सेना करते का पद धीरे धीरे आते आते क्या है किसमें बदल जाएगा, पेशवा के रूप में बदल जाएगा, पेशवा के रूप में बदल जाता है। और 1713 से पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ 1713 में इशू में। तो ये कुल मिला के बात थी कि हम ने शिवाजी के वंशजों के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा बने यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो हालांकि जो जो छत्रपति है वो गद्दी पर बैठा रहेगा पर मुख्य संचालन कौन करेगा, पेशवा करेगा। तो वहां से पेशवाओं का इतिहास भी चालू हो जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो शिवाजी थे, शिवाजी हैं, तो शिवाजी के समय जो इनकी जो रणनीति थी, तो इनके जो दरबार है इसमें 8 मंत्री होते थे। इनके प्रशासन की बात करें, शिवाजी के प्रशासन की, तो इनके प्रशासन जो है उसमें 8 मंत्री होते थे। 8 मंत्री जिसको हम बोलते हैं अष्ट प्रधान। क्या बोलते हैं? अष्ट प्रधान। 8 मंत्रियों के समूह को क्या बोला? अष्ट प्रधान। तो इनमें जो मंत्रियों का जो सबसे मुख्य पद था, जो पहले नंबर पे है, वह पेशवा। पेशवा, पेशवा क्या है? एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का पद है पेशवा का। दूसरे बात करें तो यह है अमात्य। जो अमात्य है ये राजस्व मंत्री होता था, राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री भी इसको कहा जा सकता है। जो वित्त मंत्री का क्या मतलब है कि जो पूरा लेन देन पैसों का किस प्रकार हो रहा है वो सब देखने का काम रहता था अमात्य का। उसी तरह एक व्यक्ति रहता था जिसको हम बोलते हैं सुमंत। सुमंत क्या है? विदेश मंत्री को बोलते हैं, विदेश मंत्री, जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ जो सांठगांठ करेगा और जो भी नीतियां बनाएगा वो सुमंत है, विदेश मंत्री है। ठीक है। एक व्यक्ति है चिटनीस। चिटनीस, चिटनीस का क्या मतलब है कि जो पत्रों का जवाब देगा, पत्राचार करेगा, जो दूसरे राज्य से जो लेख आया है उसको पढ़ के उसकी भूमिका बनाएगा, वो जो पत्रों का आदान प्रदान करेगा वो कौन है? चिटनीस। उसके साथ एक पद है सेनापति, जो सबको पता ही है सेनापति क्या होता है, जो सेना का नेतृत्व करता है। उसके साथ ही एक और पद है न्यायाधीश, जो न्याय करेगा। उसके बाद एक पद है पंडित राव का, पंडित राव जो धार्मिक सलाहकार जो होता था, जो धर्म से रिलेटेड बातें सारी छत्रपति को बताता था, वो पंडित राव। और एक है वाक्यानविस। वाक्यानविस होता था उस समय गुप्तचर। गुप्तचर, तो गुप्तचरों को पूरा कौन देखने वाला मंत्री था? वाक्यानविस। तो इस तरह से 8 पद थे जिसको हम अष्ट प्रधान बोलते हैं। तो काफी बार अमात्य के बारे में पूछा गया कि अमात्य कौन होता था, कि राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री को क्या बोलते हैं? अमात्य कहा जाता है। और चिटनीस क्या होता है? पत्राचार, जो इसमें चिट, चिट का मतलब पर्ची, तो जो उससे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पत्राचार जो करता था उस व्यक्ति को बोलते थे चिटनीस। अब हालांकि ये सब मंत्री जो है छत्रपति को क्या है? राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। इनकी राय बाध्यकारी नहीं होती थी, इन्होंने राय दी और अंतिम जो निर्णय होता था, अंतिम निर्णय जो है वो किसका होता था? छत्रपति का होता था। जैसे छत्रपति के पद पे जो बालाजी विश्वनाथ के समय कौन है? साहू जी है, तो साहू जी का अंतिम निर्णय होगा और ये बस इनको सलाह दे सकते थे। तो इस तरह से अष्ट प्रधान जो थे ये प्रशासन में था शिवाजी के समय। तो यहाँ तक हमारी बात हुई शिवाजी से रिलेटेड। तो जो हमारा चैप्टर चालू हुआ था शुरू से, एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पुरंदर, ये यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। अब अगले लेक्चर में अपन पेशवाओं के बारे में देखेंगे, जो बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवाई चालू हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो स्लो लगता है तो इसको आप 2 गुना स्पीड करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।